आज बड़ा एक खुशी का दिन है कि हमारे पार्टी के सभी नेताओं ने मिलकर एक ऐप तैयार किया है और ये मैं समझूंगा ये पहली बार है कि कांग्रेस पार्टी में लोगों से यानी आम जनता से मदद लेकर देश को बनाने के लिए ये किया है जिसको डोनेट फॉर देश कंट्री और हम अगर कहें तो देनी देश के लिए डोनेशन ये सब देश के बनाने में हमको मदद होता है और छोटे छोटे डोनर्स के पास हम अपना डोनेशन लेके देश को बना सकते हैं क्योंकि सिर्फ अमीरों के ऊपर ही अगर आप भरोसा करके काम करते जाएंगे तो ये कल के दिन उनके कार्यक्रम को और उनके पॉलिसीज़ को हमको मानना पड़ता है। जब देश के सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए तो ये हमको सबकी जो पहले से ही हमारी पार्टी गरीबों के और जो बैकवर्ड्स है शेड्यूल कास्ट है माइनॉरिटीज है और कोई भी कास्ट का हो अपर कास्ट हो गरीब है वो ऐसे ही लोग पहले से हमको मदद करते हुए आए हैं और इसी ढंग से महात्मा गांधी जी भी सब लोगों से डोनेशन लेकर ही देश को आज़ाद कराया है। तो इसीलिए हम ये मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और सारे देश में एक मुहिम बन जाएगी और लोग भी तैयार है और ख़ासकर एक दो दिन में बहुत से लोग खुद ब खुद वॉलेंटरली आके वो डोनेट कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं जो ये आप तैयार किए और जो हमारे पार्टी के ट्रेजरर है ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है माध्यम के दोस्त हैं सभी ने और ख़ासकर ये जो हमको मदद मिल रही है अपने दिल्ली से प्रदेश कांग्रेस कमेटी से तो ये सभी यही है कि हम एक होकर ये डोनेशन भी कलेक्ट करेंगे ये लड़ाई में इसको जोड़ेंगे और लोगों को हम एक भरोसा दिला सकते हैं कि ये एक ही पार्टी ऐसी है जो गरीबों के साथ है ये दिखाने के लिए भी हमको इसकी मदद होती है। तो इसीलिए मैं आपको मीडिया को भी धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप अपना अमूल्य समय हमारे साथ आज खर्च किया और आप भी जरा इसको बढ़ावा अगर दिए तो आपका हित भी है इसमें हमारा हित भी है क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी प्रोटेक्ट करना है इसलिए हम दोनों मिलके लड़ेंगे। धन्यवाद।